अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में जब डॉलर और बीएनबी भेज दिए जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, अपना फोर्सेज में अकाउंट कैसे बनाना होता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले आपने ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है, उसका अकाउंट बना लेना है। उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उसको डाउनलोड करने के बाद और उसका अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। अब जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इससे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड को आप लगाएंगे। पासवर्ड लगाने के बाद आपके सामने आपके डॉलर और बीएनबी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर नीचे डी एप्स यानी ब्राउज़र नाम का एक ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपने वो लिंक पेस्ट करनी है जो आपका अपलाइनर आपको सेंड करेगा। तो यहाँ पर मेरा डाउनलाइनर जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है उसने मेरी लिंक लगाई और उसके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। अब ये आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है इस पर, फोर्सेज बीयूएसडी पर। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इथेरियम होगा, आपने बीएनबी स्मार्ट चेन कर देना है। उसके बाद आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ऊपर तीन डॉट पर क्लिक करना है और रीलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर रेड डॉट था ये हट जाएगा। अब आपने सिंपल रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो आए वो आपने, ये आप देख सकते हैं आपके सामने, जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे ये आपसे अप्रूव, आपके जो बीएसडी पड़े हैं उनकी अप्रूवमेंट्स मांगेगा। आपने यहाँ पर अप्रूव दबाना है। जैसे ही आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे उसी वक्त ये आपसे पूछेगा कंफर्म कर दें, तो आपने यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये आपका पासवर्ड या फिंगरप्रिंट मांगेगा, आपने क्लिक करना है और आपके बीयूएसडी की ट्रांजेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से जैसे ही आपके BUSD की ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी आपकी BUSD ट्रस्ट वॉलेट से कट आउट होके यहाँ पर आपकी ID की रजिस्ट्रेशन में लग जाएंगे। आपने यहाँ पर थोड़ी सी देर वेट करना है, उसके बाद आपकी तरफ ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिंपल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे उसी वक्त आपके सामने ये आपके BNB की कन्फर्मेशन मांगेगा। आपने अप्रूव दबा देना है। अप्रूव पर आप जैसे ही दबाएंगे फिर ये पासवर्ड मांगेगा, आपने फिर पासवर्ड लगाना है। उसके बाद ये अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको दिखेगा कुछ देर आपने यहाँ पर वेट करना है, तकरीबन 10 से 30 सेकेंड के दौरान ही हो जाएगा। अभी ब्लॉक चेन ट्रांजेक्शन के नीचे ही आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा लॉग इन टू योर अकाउंट। अगर ना नज़र आए तो आपने क्या करना है वो भी बताता हूँ। आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी सी वेट के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। ये देखिए आपके सामने लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन अगर आप किसी का ये नहीं आता तो आपने एक स्टेप बैक चले जाना है, फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे लॉग इन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा ब्लू कलर में। आप इस पर क्लिक करेंगे लॉग इन टू योर अकाउंट, तो ये आपको सीधा आपकी आईडी में लेकर चला जाएगा जो फोर्सेज की आपकी आईडी बन चुकी है। आपने दोबारा लॉग इन टू योर अकाउंट जो ब्लैक कलर में लिखा है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपसे सिग्नेचर मांगेगा, आपने साइन पर क्लिक करना है। ये आपका पासवर्ड मांगेगा, दोबारा पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद आप सीधे अपने अकाउंट में पहुँच जाएंगे। तो यार उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फोर्सेज की आईडी कैसे बनती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर किसी बंदे ने फोर्सेज की आईडी बनवानी है तो वो मुझसे भी बनवा सकता है, डॉलर बाय करना है मुझसे ले सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।